हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा देखिए, ऑस्ट्रेलिया में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी हैं कि यार हर काम आपको अपने हाथ से करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो हर काम के लिए कोई ना कोई आप हायर कर लेते हैं, और आपको कोई प्लम्बर का काम करना हो या ग्रास कटिंग करनी हो या आपको घर को मेनटेन करना हो तो आप हर काम के लिए आप बंदे को हायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हायर करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर अगर आप किसी को भी किसी काम के लिए हायर करेंगे तो उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो इतनी हाई होती है कि बेहतर होता है कि आप खुद ही अपने हाथ से ये काम कर लें। तो आज काफ़ी दिनों बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं जो है अपनी बैकयार्ड की ग्रास जो है काफ़ी बड़ी हो गई है तो उसको काटेंगे आज। तो आज हम लॉन मूविंग करेंगे काफ़ी दिनों बाद, और जब भी मैं ये गार्डनिंग का सोचता हूँ तो बारिश यहाँ पर हो जाती है। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो आज मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करते हैं कि यहाँ पर किस तरह गार्डन को मेंटेन किया जाता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरे गार्डन का हाल क्या हो रहा है। तो आप ये चेक करें, अभी मेरे गार्डन का ये हाल हो रहा है, और ये काफ़ी आई थिंक 2 हफ्ते की ग्रास है जो कि मैंने नहीं काटी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, और जब भी प्रोग्राम बनाते थे तो बारिश हो जाती थी। तो आज हमें चांस मिला है तो आज हम ये ग्रास कटिंग करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि ये जो टूल्स आज हम यूज़ करेंगे, तो एक ये टूल है जो कि येलो कलर का है, इससे हम लॉन मूविंग करते हैं और ये सारी ग्रास काटने में काम आता है। और ये दूसरा जो टूल है वो ब्लैक कलर का, इसको एजर कहते हैं, और ये कॉर्नर्स या एज बनाने के काम आता है, और आप बड़ा खूबसूरत लुक दे सकते हैं अपने लॉन को, एज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक अच्छा टूल है। पाकिस्तान में क्या होता था कि पाकिस्तान में मैनुअल टूल मिलते हैं यार, वो उसमें जो घास काटना भी एक साइंस होती है, वो बड़ा बंदा थक जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी आसानी है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ पर बैकयार्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो इस तरह के मामलों से भी आपको निपटना पड़ता है। चेक करें किस तरह विंडोज से अंदर आ गया सांप और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, और अगर आप अपने बैकयार्ड को और फ्रंट यार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के सिचुएशन हो सकती है आपके लिए भी। एक और सीन चेक करें, पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा पाइथन छत के ऊपर आ गया किसी के घर में। ऑस्ट्रेलिया में ही ये वाकया हुआ है, और देखें किस तरह ट्री के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। तो फिर देखा आपने कि यहाँ पर जो है अगर आप अपने बैकयार्ड को फ्रंट यार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो इस तरह की रेप्टाइल्स आपके घर में आ सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वाइल्ड लाइफ रिच कंट्री है और यहाँ पर ऐसे मामला देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पर रीजनल एरियाज़ में इस तरह की सिचुएशन बहुत देखने को मिलती है। और दूसरी वजह यह है कि अगर आप अपने फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको फ़ाइन भी भेज सकती है। तो चलें फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। चलें जी, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है तो अब ये शक्ल निकली है। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और बाय।